हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जिजिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा, वो एक्चुअली सुनने में और देखने में बहुत ही छोटी बात लग सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक्चुअली ये बहुत ही सीरियस मैटर है और मैं जनरली ऐसे टॉपिक पे ही बात करता हूँ जो लोगों की नज़र में बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा सा कदम होता है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये मैं ऑलवेज आपको समझाने की मेरी पूरी कोशिश करता हूँ। 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जाता है। शायद आई होप कि आपको पता होगा, इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जो पानी है उसको ख़त्म होने से बचाना है। अब 2050 तक हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर कुछ केसेस में कह सकते हैं कि वेस्ट कर रहे हैं, 2050 तक ये सब जितने भी सोर्सेस है ख़त्म होने वाला है, बल्कि अभी ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी जगह पर प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी इंसान की पहली 3 आवश्यक चीज़ें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके भी ऊपर है पानी। पानी होगा तो हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो ये सारे सवाल आते हैं कि रोटी कहाँ से लाएंगे, कपड़े कहाँ से लाएंगे और मकान कहाँ से लाएंगे। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या करेंगे। और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जो लोगों को पता नहीं है, या तो फिर आज मैं जब बताऊंगा पहली बार तब सबको पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, एक्चुअली अजीब सवाल ये है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोग पानी को वेस्ट करते हैं। और आपको पता है कि ये लोग कौन है, ऐसा क्यों करते हैं? ये वो लोग हैं जिनको कभी भी उनकी लाइफ में पानी के बिना नहीं रहना पड़ा है। वो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर पानी का कोई इशू नहीं है, तो उनको कभी, वो लोग कभी इस बारे में इस सोचने की तकलीफ़ ही नहीं लेते हैं कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और हम लोग जो गलती कर रहे हैं उनकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगी, ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें उन लोगों तक पहुँचे, शायद वो लोग मेरी बात को समझ पाए और ऐसी हरकतें करना बंद कर दे, ताकि उनको तो नुकसान हो ही रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान ना हो, हम सबको नुकसान ना हो। और एंड में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। अगर आप पानी वेस्ट करते हो या फिर आपने कभी किया होगा, तो आपको हो सकता है कि आपकी आँख में आंसू आ जाए, आपको सीधा वो यहाँ पर लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे पृथ्वी पे 79% पानी है और 21% धरती है। हम हमारे देश भारत की बात कर ले तो करीबन 9,70,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ पानी आज भी नहीं है। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हर साल सूखा पड़ता है। ये जो वर्ड है ना, सूखा पड़ता है, हमने बहुत बार सुना है, पड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये मैं आपको कैसे समझाऊँ शब्दों से, अगर आप में से कोई लोग है जहाँ पर सूखा पड़ता है, वो लोग मेरी बात को समझ पाते हैं कि वो क्या सिचुएशन होती है। ऐसी जगह पर आप एक दिन निकाल के दिखाओ तो मान सकते हैं, वो बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है। शहरों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं हमारे देश में, उनमें से 70% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, या तो फिर उनको मिल नहीं पा रहा है। जिनके पास ये सब चीज़ें हैं वो लोग शायद ये सब बातें सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, आई नो, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ खुद की फिक्र है, वो लोग कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग कभी लोगों के बारे में सोचने की तकलीफ़ नहीं लेते हैं। और आप लोग ये बोल रहे होंगे कि हमको क्यों सुना रहे हो, हम तो पानी वेस्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट कंट्रीब्यूशन की बात है। सिर्फ आपके पानी बचाने से काम ख़त्म नहीं होता है, आपको भी लोगों को बोलना चाहिए, जो लोग वेस्ट करते हैं उनको भी बोलना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बातें नहीं है, हम सब की बातें हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो प्रति व्यक्ति पर पर्सन पानी की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी, वो 2001 में 135 लीटर थी, जो आज घटकर 67 लीटर हो चुकी है। इन आंकड़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर इस मैटर में क्या है। देखो, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं जो इंसान के या किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें से एक है पानी। हम पैसों को कभी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसका इम्पोर्टेंस पता है। अब ये इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है,
हमको पता है कि बिना पैसों के हालत कैसी होती है। हम कहने के लिए भी कभी कभी कहते हैं कि ये भाई साहब तो इसलिए पैसे उड़ाते हैं, ये बंदा इसलिए पैसा उड़ाता है क्योंकि उसने कभी तकलीफ नहीं देखी है, उसको पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जो लोग पानी वेस्ट करते हैं या तो हम लोग, हम सब आते हैं उसमें, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने कभी वो दिन देखे नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने ये दिन देखे हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं आज, उनको जाके पूछो कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर पानी नहीं होगा या नहीं होता है तो क्या होता है। और आई थिंक जो लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है, उनको भी पता होगा जब जब पानी नहीं आता है, एक दिन के लिए भी नहीं आता है, तो क्या हालत होती है। फिर भी आँखें नहीं खुल रही हैं। और ये पानी सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव है, पेड़ पौधे, सबके लिए पानी है, सबके लिए ज़रूरी भी है। और सबसे अजीब बात और कह सकते हैं कि शर्म करने वाली बात यह है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समझदार हम हैं, इंसान, बुद्धिशाली लोग हम हैं। हम हर चीज़ के एक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं, फ्यूचर को समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी हरकतें करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। और हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ हमको अकेले को भुगतना नहीं पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा, जो लोग भी, जो भी जीव इस पृथ्वी पर है, पेड़ पौधे भी आ गए उसमें। और ये सब बातें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, बुक्स में पढ़ा जाता है, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, टीवी में देखते हैं, और मेरे जैसे कुछ लोग वीडियोस भी बनाते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। हमने हमारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सब कुछ ख़त्म करने का काम किया है, हमने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुदरती चीज़ों को नष्ट करने का काम किया है, जिसकी वजह से पृथ्वी खोखली सी हो चुकी है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो नदियों को हमारे देश की जान माना जाता था। जो महानदियाँ हैं वो एक समय था कि अपनी सुंदर लहरों के साथ पूरे रूप में बहती थी, लेकिन आज ऐसी नदियों में अगर पानी देखने में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी, ये सब देखने के बाद भी हमको दुख नहीं होता है, बस नहीं होता है। लेकिन ये इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर हमारी पूरी तरीके से बैंड बजने वाली है, क्योंकि आने वाले 20 से 30 सालों में ये नदियाँ पूरी तरीके से सूख गई होगी। और ये गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियाँ तो सूख भी गई हैं, तो बारिश हुई तो बाढ़, नहीं तो सूखा तो है ही। ये हमारे देश की आज की सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज़ के गंदे केमिकल्स नदियों में बहा दिए जाते हैं, और आवाज़ उठाने वाला, बोलने वाला, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बॉस सबकी अपनी अपनी सेटिंग है। और आपको पता है कि इंडिया में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज़ है, और ये गंदा पानी लोग पीते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको पीना पड़ता है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। और ऐसे पानी से जो बीमारियां होती है, ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जिसके हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं, लोग मरते हैं, और इनमें ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। तो एक ये मेरा पर्सनल सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे पाओ तो मुझे कमेंट में देना, कि हमारे देश में जब भी हम बहुत सारी चीज़ों को बैन करते हैं, फिल्मों को रोकने में हमारा एफर्ट लगाते हैं, किसी के स्टेटमेंट को उछालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जब भी हमको ऐसा कुछ फील होता है, लगता है कि ये गलत है, तो हम आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमारी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है, जो हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है, हमारी आने वाली पीढ़ी से जुड़ी हुई है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा क्यों है। मैंने तो बहुत सोचा है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको इसका कोई सही जवाब मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, और मुझे किसी ने भेजा था ये वीडियो, और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा। मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे अब तक के करियर में जितनी फिल्में देखी होगी, उसमें से मैं अगर कहना चाहूँ तो दुनिया की सबसे छोटी फिल्म और दुनिया की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फिल्म ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसने भी बनाई है बॉस, सैल्यूट है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला होगा। सो गाइज, आज से आपके सामने अगर कोई भी आपको पानी वेस्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो उनको प्यार से बोलो कि सर या मैम, या आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर आपको इतना भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है और भी यूट्यूब चैनल्स है, ऐसे जो वीडियोस है उनको शेयर कर दिया करो प्यार से। और स्पेशली मेरे वीडियो की बात करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लोग इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी बात को समझ पाए और ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। तो चले फिर जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में जो हमने सवाल किया था उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय होते हैं। इसका सही जवाब है 18। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है ज्योति मेहता ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया है काजल भारती ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है रामविलास मंडल ने। सो वेल डन गाइस। आज भी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, गंगा नदी कितने किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी की लेंथ कितने किलोमीटर है। जल्दी से सर्च करो और कमेंट करो। जो भी सबसे पहले सही जवाब देने वाले तीन लोग होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे। तो चले फिर मिलते हैं। अच्छा जो रुको, अगर आपका कोई, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, ऐसे वीडियोस भी होंगे, कोई अवेयरनेस के वीडियोस भी होंगे, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट तो कर ही सकते हो। तो चले फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।